हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक यारों के रिएक्शन में। और हम देखने जा रहे हैं द मैसेंजर ऑफ गॉड मोहम्मद, और उसका पार्ट थ्री देखने जा रहे हैं। पार्ट सेकंड में हमने देखा था कि किस तरीके से अब्राहा के सैनिक जो हैं वो काबा को तोड़ने के लिए आए थे, मगर अनबिलीवेबल वे से, अल्लाह की पावर की वजह से, काबा की पावर की वजह से, उनमें से उनके किसी भी हाथी के सिपाही जो हैं हाथियों के साथ, वो काबा की तरफ बिल्कुल भी कदम नहीं बढ़ा पाए। और जिस तरीके से बर्ड्स ने आगे काबा को जो डिफेंड किया था, इट वॉज ऑल ऑफ अ मिरेकल सॉर्ट ऑफ थिंग। और इतना मज़ेदार था, मतलब मैंने वो पार्ट शायद रिपीट मोड में लगा के रेगुलरली पता नहीं कितनी बार देखा होगा। तो आइए जस्ट उसके बाद क्या होता है वो हम देखेंगे। तो ये आगे की स्टोरी आई थिंक और इंटरेस्टिंग होने वाली है, इसलिए आई कांट स्टॉप माई सेल्फ फ्रॉम वॉचिंग दिस। सो आइए इसे शुरू करते हैं। भी नहीं जा रहा है। बड़ी बुरी मौत मरे, पर हरकत भी ऐसी करी है तो यही होगा, जहन्नम की तरह ही मरे। ओहो, सब मर गए भाई, डिफेंड करने की जरूरत ही नहीं पड़ी, सबके सब मर गए। देखो कैसे बेमौत मारे गए, सिर्फ अक्ल की कमी की वजह से। आंखों के आगे पट्टी पड़ी रहती है तब यही होता है इंसान का। ठीक है, वो सारे कैदी हैं जिन्हें टूटते तारे। अरे यार कैसा सा सुलूक है, इंसान की जानवर। अल्लाह का बंदा मूसा अपनी मौत से पहले बनी इसराइल को अता कर गया। उन्होंने कहा अल्लाह सिना की पहाड़ी से आया, सीर की पहाड़ी से ऊपर उठा और फरान की पहाड़ी से चमका। वो हजारों नेक बंदे साथ लाया और फिर उसके दाएं हाथ से क्या बोल एक जोशीला मजहब वजूद में आया।
बेशक वो उसके बंधु को चाहता है और वहाँ मुकद्दस लोग उसके कदमों में बैठे उसकी तकरीर का लुत्फ ले रहे हैं। मूसा एक मजहब लाया जो कौम याकूब की विरासत है। जल्द ही तुम आदम के बेटे को हुकूमत के तख्त पर दाएं तरफ बैठा जन्नती बादलों पर सवार आता हुआ देखोगे। काबा के ऊपर इस समय काबा पे वो काले रंग का कपड़ा नहीं है, क्या होने वाला है? सब ऐसे क्यों देख रहे हैं? आसमान में कुछ हरकत है। क्या हुआ? ये काबा के अंदर का मजा रहा है। अरे यार यार ये क्या हो रहा है? ये क्या हुआ अचानक? ये मुझे समझ नहीं आ रहा है। क्या रहा है? आप मुझे हेल्प करेंगे समझने में? ये मुझे समझ नहीं आ, अचानक ऐसे क्यों हुआ? अरे ये क्या हो रहा है? ये रोशनी सी क्या है? ये कैसी रोशनी है? कुछ कुछ तो है, क्या है? मगर क्या हुआ? ये अचानक बिल्कुल समझ नहीं आया, कौन आ गया? सब लोगों को खाना खिलाओ। कोई भी यहाँ से भूखा ना जाए। वो रोशनी वाला पार्ट प्लीज़ प्लीज एक्सप्लेन करिएगा, वो मुझे समझ नहीं आया क्या हुआ था। अच्छा
जगदीप बिरादर, सुना है यहाँ रिश्तेदारों और बुजुर्गों की दावत है, तुम अब्बा को नहीं जानते हो? क्या सोच है? जानने की क्या जरूरत, मुझे गरीबों के साथ बैठकर बचा खुचा खाना नहीं खाना। क्या सोच है? इज्जत कराऊंगा पर ऐसी शर्मिंदगी बर्दाश्त नहीं करूंगा। जल्दी आने नहीं दिया। लाइए, बहुत भूखा है ये, संभाल के। मैंने सुना तुम्हारे अब्बू की दावत के चर्चे मक्का के बाहर तक हो रहे हैं। उनके पोते की शान में दावत हुई, तुम खुश नहीं हो? वो इज्जत खरीद रहे हैं एक यतीम बच्चे और उसकी माँ के लिए। ऐसी माँ जिसके पास बच्चे को पिलाने के लिए दूध तक नहीं, उस काम के लिए वो मेरी खादिमा को ले गए। मैंने कहा था तुम दावत में मत जाना। मैं तो वहाँ गया ही नहीं था। गए थे और बेइज्जत होकर लौटे हो। इज्जत खरीदी जाती है, मैं वो बिक्री छोड़ना नहीं चाहता था। कैसा दिखता है वो, अब्दुल्ला के जैसा? मैंने उसे नहीं देखा। किसी ने बताया नहीं कि वो खानदान में किस पर गया है? मैं किसी से नहीं मिला। और बिक्री से तुम्हें यह हिस्सा मिला, इज्जत दी गई अब्दुल्ला के यतीम बेटे और उसके 8 चाचाओं को। अगर इज्जत चाहती हो तो एक बेटा पैदा करो। तुम्हारी नफरत खत्म हो तो पैदा करो ना। बहुत हुआ, क्या नफरत की वजह मैं हूं या फिर तुम्हें तकलीफ इस बात की है कि अब्दुल्ला ने तुम्हें कोई तवज्जो नहीं दी और उसकी सजा मैं भुगत रहा हूँ? हाँ, मुझे तकलीफ है क्योंकि बनी हाशिम और बनी उमैया के बीच दोस्ती का जरिया मैं थी और मेरे हिस्से में अब्दुल मुत्तलिब के सारे हसीन और शेरदिल बेटों में से कोई नहीं आया। अगर उस दोस्ती का जरिया तुम हो तो दुनिया ने ऐसी मनहूस दोस्ती कभी नहीं देखी होगी। नफरत करती हूँ तुमसे। सबको अच्छी तरह जांचो और इस बात का ध्यान रखना कि कोई बीमार ना हो। खुजली के आसार दिखे तो सौदा रद्द करो। सिर्फ हट्टे कट्टे मेहनती लोग देखो। पूछो कौन से कबीले के हैं, कोई हुनर आता है या नहीं। रुको, वो बिकाऊ नहीं है। मक्का में कुछ हुआ है क्या? नहीं तो बस आज रबीउल अव्वल का दिन है। मैं भी आता हूँ। सुनो तो, मेरे माल का क्या हुआ? आसमान में हमने जो देखा वो सिर्फ आग थी। क्या अल्लाह मूसा से आग के जरिए बात नहीं किया करता था? हाँ, पर उस आग और रोशनी में बहुत बड़ा फर्क है। न सिना पहाड़ी दिखी जहां से मूसा आए, न ही फरान पहाड़ी नजर आई। अल्लाह और उसका पैगंबर हमारी नजरों से ओझल है। क्या फरान वो जगह नहीं जहां इब्राहिम की नस्लें बसी? आपको नहीं लगता उसकी रोशनी दिखने से खुशहाली ही वजह थी कि बनी इसराइल यहां रहने आए, ताकि वादा किया गया पैगंबर यहां पैदा हो? इसमें शक नहीं, इस कौम में किसी के घर एक बच्चा पैदा हुआ है और वो वादा की गई मुकद्दस रूह जो कायनात की शुरुआत से है अब एक जिस्म में है और हमारे बीच आ चुकी है। तो आपने वो बात मान ली जिसका कोई सबूत नहीं। हमें पता करना होगा उस रात यहूदी घराने में किसके घर लड़का पैदा हुआ है। मक्का में तो यहूदियों की तादाद बहुत कम है। सैमुएल, उसाने वाले के लिए किसी खास वक्त का कोई ऐलान नहीं किया गया है। हम इंतजार करेंगे कि खैबर के आलिम हमें इसका क्या मतलब बतलाते हैं। अगर वो हमारे दरमियान है तो हम उसकी पुकार सुनने के लिए बेताब हैं। हम जल्दी ही खैबर जाएंगे, पर उससे पहले मुझे किसी भी कीमत पर मक्का में पैदा हुए हर यहूदी बच्चे का पता लगाना है।
अस्ताफ अस्ताफ तो काबा के पास काबा ऐसा था काबा। आपको क्या लगता है पैगंबर इनकी कौन से आएगा? हमारा जवाब यहाँ नहीं है। और उस दिन सबने अपने बच्चों के नाम अपने कबीले के खुदाओं के नाम पर रखे, लेकिन अब्दुल मुत्तलिब हिजरे अल अस्वद के पास गए। वहां उन्होंने उस जन्नती पत्थर से रहमत मांगी जो इब्राहिम के जमाने की यादगार निशानी माना जाता था। मैजिक क्या ये इशारा है काबा के अंदर जाने का? ये कैसा नाम हुआ भला? कहां से आया ये नाम? इस नाम में ना तो अल्लाह की बरकत है और ना पुरखों की याद है, ये भला कैसा नाम हुआ? इस नाम में अल्लाह का कोई जिक्र भी नहीं, हमने ऐसा नाम कभी किसी कबीले में नहीं सुना। किसी भी लड़के का नाम आज तक मोहम्मद नहीं रखा गया है। इस नाम का मतलब है तारीफ के। वाह सो दोस्तों, कितना मज़ेदार मंज़र था वो। एक तो किस तरीके से बर्ड्स ने काबा को डिफेंड किया और अब्राहा की जो पूरी की पूरी फौज थी वो कैसे जहन्नुम की मौत सबके सब मरे। एंड फाइनली हमने देखा किस तरीके से आसमान में कैसी
हरकतें हुई टू बी वेरी ऑनेस्ट, और इतना अजीब सा मंजर बना, आसमानी आग आई, यू नो दुनिया एक तरीके से पूरी पूरी धरती हिल गई, ज़मीन हिल गई जब मोहम्मद साहब की पैदाइश का वाकया, क्या मज़ेदार था। और इस बच्चे में आप देखेंगे पैदाइश के साथ ही नूर था, क्योंकि तो किस तरीके से जब पैगंबर के कदम इस दुनिया में पड़े तो आप देखिए किस तरीके से एक अलग ही नूर बरसता है पूरे पैगंबर में। चाहे हमने वो यूसुफ सीरीज़ में देखा था जब प्रॉफिट यूसुफ की पैदाइश हुई थी, उनमें भी एक अलग सा नूर था, और यही मोहम्मद साहब में भी एक अलग सा ही नूर है। तो बड़ा मज़ेदार वाकया था, बड़ा मज़ा आया मुझे देखने में। उम्मीद करती हूँ आपको भी मज़ा आया। मैं मिलती हूँ आपसे अगले एपिसोड में, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्ते सर, बाय बाय।